हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह का बज रहा है 7 और हम फिर से आ गए हैं खेत में। किस लिए? तो चलो बताते हैं किस लिए। हम इधर से जाते हैं, बहुत सारे मंकी आए हुए हैं। तो मंकी आए हुए हैं और सारे सेम ले जाएंगे, तो अच्छा है कि हम पहले सेम ही तोड़ लेते हैं। हम ये लेकर आए हुए हैं डलिया, अडलिया में तोड़ लेते हैं सेम। चलिए, सेम ना तैयार हो गया है, तो जो भी है उसे हम तोड़ लेते हैं और आज की सब्जी में बना लेते हैं फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। घर रहने से तो यही है, वहाँ तोड़ो फिर बना लो। तो चलिए हम फटाफट तोड़ लेते हैं। ओ, कहाँ है मंकी? मंकी कहाँ है? हाँ, उधर है, इधर मंकी बैठा हुआ है और अभी टूटेगा सेम। उधर सूख क्यों रहा है? वहाँ पे नीचा होगा बंदर। सूखा हुआ ही तोड़ लेते हैं पहले। मुंह में मत लगा, इसमें ना छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा ही तोड़ेंगे, बहुत ज्यादा क्यों तोड़ना। ओली, यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा हुआ है, ये सब तोड़ लेते हैं। नुको ना तोड़ लेते हैं, नुको ना तोड़ रहा है ये। धनिया तो नहीं है, फिर भी थोड़ी सी हम इसमें से निकाल लेते हैं। आज बैंगन का भरता बनाएंगे तो डालेंगे इसमें। अभी धनिया भी ना बहुत छोटा छोटा हुआ था खेत में, तो मैं केवल पत्ते तोड़ रही हूँ। फिर हम घर आने के बाद हम लोग वैक्सीन लिए, हमारा सेकेंड डोज बाकी था, तो हमारा सेकेंड डोज भी हो गया है। तो अभी बिहार में ना मीन्स दरवाजे दरवाजे जाकर वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हम दोनों का सेकेंड डोज बाकी था, तो हम दोनों ने सेकेंड डोज लिया। फिर ये एक नया मिट्टी के चूल्हे पर मटन, आप ये वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। मिट्टी के लकड़ी के लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पे मटन बनाने का, तो ये लकड़ी है, तो अभी तो मतलब सबके किचन में गैस हो गया है, तो लकड़ी जो भी बाहर है, तो मैं फर्स्ट टाइम नहीं मतलब मैं ट्राई की कि चलो आज बताते हैं। लकड़ी पे, से भी ठंड शुरू हो गई है, तो लकड़ी पे मटन बनाने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था, तो मैं मटन बनाने जा रही हूँ। तो ये आग अच्छे से जल गया है, मुझे जलाने में थोड़ा टाइम लगा, बट जब जलने लगा तो अच्छे से जलने लगा। ये सारे मैंने मसाले कप में, छोटे कप में ला के रख ली हूँ, क्योंकि बार बार किचन मतलब हमारे किचन में नॉनवेज नहीं बनता है, नॉनवेज पीछे बनता है, तो मैं सब चीज़ लेके आ गई हूँ यहाँ पे नॉनवेज वाले किचन में, जहाँ पे मैं चूल्हा जलाई हूँ, तो पीछे ही मैंने चूल्हा जलाई। और हमेशा गैस पे बनाती हूँ, बट चलो एक बार ट्राई करते हैं लकड़ी पे। तो मैं लकड़ी पे ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे तेल गर्म हो गया है और चूल्हा अपने रफ्तार में जल रहा है। मैं तीन साइड से ना उसमें लकड़ी लगा दी थी ताकि अच्छे से जले। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल ली हूँ, क्योंकि हाथ धोकर डालना था ना, तो जब
तेल गर्म हो गया तो देखिए मैं प्याज बड़े बड़े कट करती हूँ जो भी है, क्योंकि पतले कट करने से ना वो बहुत जल्दी जल जाते हैं तो हमारा मटन अच्छे से पक नहीं पाता है। तो जो भी छोले या मटन टाइप कुछ बनाए तो उसमें प्याज के 3 या 4 भाग कट करके डालें। ये देखिए लकड़ियाँ कितनी तेज़ी से जल रही है, तो मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।